इनेलो को झटका लगा है, जबकि बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है, क्योंकि इनेलो के दो विधायक अब औपचारिकतावश बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे अब दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुभाष बराला, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको आप देख पा रहे हैं, और एक तरीके से पूरी फुटेज लेने की कोशिश है हरियाणा बीजेपी की। बताए कि इनेलो तो अब कहीं भी टिकते नहीं है। परमिंदर सिंह ढुल वफादार नेता माने जाते थे इनेलो के, लगता नहीं था कि जुलाना से जो विधायक परमिंदर सिंह ढुल है वो ऐसा काम कर सकेंगे कि पाला बदलकर बीजेपी की ओर चले जाएंगे। जाकिर हुसैन जो कि मेवात से विधायक इनेलो के, ये सबसे तगड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र है वहां पर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में क्या फायदा मिलेगा जाकिर हुसैन के बीजेपी में शामिल होने पर, इस पर भी चर्चाएं अब शुरू हो चुकी है। लेकिन इतना जरूर है कि पूरा इवेंट बनाया गया है। मुख्यमंत्री को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुछ ही देर बाद यहां से संबोधित मीडिया को करेंगे मुख्यमंत्री, सब सुनाएंगे आपको। लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है पहले से ही। बीजेपी जिसके पाले में लगातार नेता आते जाते हैं, आ रहे हैं, लगातार यह सिलसिला जारी है। हवा बीजेपी के पक्ष में कहती है बीजेपी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीत करके खिले हुए चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। सुभाष बराला काफी उत्साहित है मीडिया को संबोधित करने के लिए, तो चलिए सुन लेते हैं सुभाष बराला को अब क्या कहने वाले हैं। भाई परवाना जी को तो बिठाओ, परवाना जी, इधर बुलाओ। जब तक परवाना जी नहीं बैठेंगे तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं। चलिए मुख्यमंत्री यहां पर मीडिया को संबोधित करेंगे, इससे पहले सुभाष बराला भी औपचारिकता वर्ष यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे परमिंदर सिंह ढुल को भी और साथ ही जाकिर हुसैन को भी कि ये अब बीजेपी का हिस्सा बन रहे हैं। सुनिए आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। पत्रकार मित्रों का स्वागत है। आज ये जो एक पत्रकार वार्ता विशेष रूप से बुलाई है, जिसमें दो वर्तमान विधायक, पौरव जिला परिषद के चेयरमैन, कुछ अन्य बहुत वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, और आज की इस पत्रकार वार्ता में और आज के इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण के कार्यक्रम में विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहुँचे हैं। मैं आपका स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। सर्वप्रथम 3 पार्टी ज्वाइनिंग के जो प्रमुख कार्यक्रम हैं वो होंगे, जिसमें जुलाना विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक प्रेमेंद्र ढुल जी और नू से विधायक जाकिर हुसैन जी और धर्मपाल मकड़ोली, ये जिला परिषद के रोहतक के चेयरमैन रहे, ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे, रोहतक जिला इंडियन नेशनल लोकदल के ये अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष हैं अभी भी, अब जेजेपी के, वर्तमान में आप जेजेपी के वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, बहुत वरिष्ठ नेता रोहतक जिले के हैं। तो आज आप सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, सर्वप्रथम आपको पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाएगा, साथ में मुख्यमंत्री जी भी इन तस्वीरों को देख लीजिए आप। ये इनेलो और जेजेपी दोनों के लिए खासा निराशा वाली तस्वीरें हैं और झटका लगा है कह सकते हैं हम, करारा झटका कहें तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। मुख्यमंत्री देखिए आप कितने
मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ परमिंदर सिंह ढुल और साथ ही जाकिर हुसैन जो कि नौ से विधायक है इनेलो के और जुलाना से विधायक परमिंदर सिंह ढुल और जेजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं रोहतक से मकड़ोली वो भी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। और अब देखिए विधानसभा चुनाव में पहले से ही चित विपक्ष को और ज्यादा झटके पर झटके देने का सिलसिला बीजेपी जारी रख रही है। बीजेपी जो कि लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर ये बता चुकी है कि रिकॉर्ड तोड़ना है तो बीजेपी से ही सीखे और अब देखिए मिठाई खिलाकर स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी में सुभाष बराला ये काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को भी मिठाई खिला रहे हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री का भी ये मौका मिठाई खाने का और ये जो सिलसिला है पाला बदलने का वो लगातार जारी। जींद उपचुनाव से शुरू हुआ था, विधानसभा चुनाव तक आपको यही देखने को मिलेगा और ये विधानसभा चुनाव से पहले जो आप देखेंगे तो बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश है हरियाणा बीजेपी की कि वो ये बड़ा इवेंट बनाकर ये बता दे विपक्ष को कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, जनाधार तो है ही नहीं, नेता भी अब नहीं रह गए हैं। इनेलो के जो विधायक है वर्तमान वो अगर जाते हैं बीजेपी में या किसी दूसरी पार्टी में तो ये बड़ी सुर्खियां तो बनती है ही। एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलेंगे क्योंकि सुभाष बराला फिर से मीडिया को संबोधित करेंगे क्योंकि औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं इनेलो के दो विधायक और साथ ही जेजेपी के एक बड़े नेता जुलाना के संजय लाठर जी, युवा हल्का प्रधान कुलवीर मलिक जी और जुलाना की पूरी यूथ विंग आज परमिंदर जी के साथ और पूरी वहाँ की जो पार्टी की इंडियन नेशनल की सामान्य इनकी यूनिट है, इकाई है, वो पूरी की पूरी इकाई शामिल हो रही है। इसी प्रकार से जिला जींद के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रधान रणधीर सिंह, कैप्टन रणधीर सिंह ये आ रहे हैं। इसी प्रकार से धर्मपाल मकलोली जी के साथ भी उनके साथ मनीराम गोदारा जी के भांजे हैं मनोज पाल और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो बहुत सीनियर नेताओं की लिस्ट है, खाली वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। वैसे तो बहुत सारे कार्यकर्ता आप लोग समझ ही सकते हैं कि जो वर्तमान विधायक आ रहे हैं ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के और इससे ऊपर के जो पदाधिकारी हैं उनकी सूची आपको दे देंगे। 71 लोग हैं ये पदाधिकारी और इस प्रकार के जो हैं, और इसी प्रकार से धर्मपाल मकड़ोली जी के साथ भी वहाँ की जो इकाई है जेजेपी की उसके ये धर्मपाल जी वाली ये धर्मपाल जी की जो मेंबर है जी कई इसमें कई जिला परिषद के पूर्व मेंबर हैं और इसी प्रकार से इनके पदाधिकारी हैं वो जेजेपी के 71 पदाधिकारी और सीनियर नेता इनके साथ आ रहे हैं। इसी प्रकार से जुलाना से परमिंदर ढुल जी के साथ और इसी प्रकार से जाकिर हुसैन जी के साथ बहुत वरिष्ठ वहाँ के नेता कार्यकर्ता साथ आ रहे हैं। आप लोगों को ऐसे सब वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता जो आपके साथ आ रहे हैं उनकी सूची उपलब्ध करवा दी जाएगी। मैं सर्वप्रथम आप सभी का, परमिंदर ढुल जी का, जाकिर हुसैन जी का, धर्मपाल जी मकड़ोली और बिश्नोई जी इनकी पूरी टीम, ऐसे सब पदाधिकारी आज इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इन सभी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करते हुए इन सब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि इनको भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते पूरा मान सम्मान इनको मिलेगा और ये उम्मीद करता हूं कि इनके आने से जो बेशक अलग अलग क्षेत्रों के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश में आपके शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप सब पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। मित्रों, जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जानकारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार निरंतर बढ़ रहा है। सबसे पहले तो आज जिन दो विधायकों ने
पार्टी ज्वाइन की है इंडियन नेशनल लोकदल के जुलाना से श्री परविंदर ढुल जी और नू से श्री जाकिर हुसैन जी और साथ ही जेजेपी के रोहतक जिला के अध्यक्ष और वहाँ के पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन श्री धर्मपाल मकड़ोली जी और इन तीनों नेताओं के साथ जो बाकी सब कार्यकर्ता, आखिर कार्यकर्ता तो जब कोई नेता कहीं किसी पार्टी में ज्वाइन करता तो स्वाभाविक है कार्यकर्ता भी साथ ही होते हैं, तो इनके सबके कार्यकर्ता इनके क्षेत्र में भले आज यहाँ नहीं भी आए हैं तो क्षेत्र में बैठे हुए भी उन्होंने इस समाचार को देख भी रहे होंगे, पहले से उनको जानकारी है भी सही। तो जिन जिन ने आज पार्टी ज्वाइन की है मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बड़ा परिवार भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, इसमें आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। हम देखते हैं जैसा भारतीय जनता पार्टी का लगातार एक परिवार बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, न केवल हरियाणा में पूरे देश भर में 1914 के बाद केंद्र में हमारी उस समय सरकार बनी, 14 में ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार बनी और फिर लगातार एक के बाद एक हम अपने कदम आगे बढ़ाते हुए चुनाव को जीतते हुए, जैसा हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद नगर निगम, गुरुग्राम नगर निगम, उसके बाद सभी पंचायतों के जिला परिषद, नगर परिषद, पंचायत समितियां, उनके चुनाव हुए लगभग 80-90%, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। बाद में 5 नगर निगमों के मेयर के डायरेक्ट चुनाव, 5 हमने थम्पिंग मेजोरिटी से जीते। फिर जींद चुनाव, वो भी बड़े बड़े दिग्गजों को सब जनता के सहयोग से और कार्यकर्ताओं के सहयोग से पहली बार हमने जींद में जीत हासिल की। और फिर सबसे आखिर का जो चुनाव और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव जो देश के लिए महत्वपूर्ण है, 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, न केवल जीती हैं बल्कि पहली बार इतने बड़े मार्जिन से हरियाणा में ये सीटें जीती गई। 6 लाख से ऊपर अगर 4 सीटों का मैं जिक्र करता हूं तो उसमें से 2 सीटें देश भर में वो हरियाणा से हैं, नंबर 2 और नंबर 3 की सीटें करनाल और फरीदाबाद। ओवरऑल जो पर सीट एवरेज मार्जिन है 356,000 हरियाणा का, ये देश भर में किसी भी प्रांत के एवरेज मार्जिन से सर्वाधिक है, नंबर 1 पर है। तो ये सब केंद्र सरकार में सरकार बनाने के लिए हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का जो देशव्यापी विश्वव्यापी प्रभाव वो बड़ा है, बड़ा कारण वो है। साथ में हमारे केंद्र सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, पार्टी की कार्यपद्धति और विचारधारा, सबका एक मिला जुला ऐसा एक प्रभाव हुआ है कि इसमें हमको एक अच्छी सफलता मिली है। और ठीक लगभग 3 महीने के बाद हरियाणा में अपने प्रदेश सरकार के लिए भी एक नया मैंडेट ये जनता से मांगने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का परिवार हरियाणा में खास करके जैसे नए लोग शामिल हो रहे हैं उसमें इस वर्तमान विधानसभा के अभी तक 5 विधायक ये ज्वाइन कर चुके हैं। एक जींद का भी हमने चुनाव जीत करके अपनी एडिशन उस 14 के चुनाव के बाद की थी। तो ये हमारा परिवार बढ़ रहा है। 5 अन्य विधायक जिसमें 4 इंडिपेंडेंट, 1 BSP वो भी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, 1 इंडिपेंडेंट विधायक पुनाणा से पहले ही भी वो भी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसे इस बढ़ते हुए चुनाव, बढ़ते हुए इस प्रभाव के कारण से मैं पूरा विश्वास कर सकता हूँ जनता की ओर से कि एक अच्छी मेजोरिटी के साथ हमने अपना टारगेट रखा है 75+, तो उसकी ओर हम निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे, उसे आगे बढ़ेंगे, ये हमारा विश्वास है।
कोई और भी मुख्यमंत्री जी हैं विधायक अभी शामिल होना चाहते हैं और अगर आपकी कोई जानकारी हो तो हमें बता दें। मिलने वाले तो बहुत लोग हैं, अगर आप जानकारियां देते रहेंगे तो हम हमारे अध्यक्ष जी बैठ के विचार करते रहेंगे। देखिए, जो पहले वाले जितने विधायकों ने, तीन विधायकों ने ज्वाइन किया है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब ये विषय इनके और हमारे स्पीकर महोदय के बीच में है। अभी आज इन्होंने ज्वाइन किया है तो अभी इनके ऊपर निर्भर करता है। रिजाइन दिया है, अब ये बता रहे हैं कि रिजाइन भेज दिया, रिजाइन भेज दिया है। जानकारी और अच्छी जानकारी है ये। परवाना जी, आप पुराने आदमी हैं। नहीं, परवाना जी मैं बताता हूँ, उसमें ये लिखा है टू द स्पीकर हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़, सर आई हियर बाय रिजाइन फ्रॉम द हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली विद इमीडिएट इफेक्ट। स्ट्रेट वे रिजाइन है, कोई कंडीशन नहीं है जी उसके अंदर। दोनों का ही सेम है। यहाँ कभी कोई गलती करता नहीं, चिंता मत करो। गलती करने वाले लोग आपको बाहर मिलेंगे कहीं ना कहीं, यहाँ कोई गलती नहीं करेगा। जी देखिए, ये कुल मिलाकर के पार्टी की विचारधारा, पार्टी का काम करने का तरीका, सरकार का तरीका, ये सब मिला करके जनता में एक बड़ा प्रभाव छोड़ता है। और जनता में जहाँ सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, वहाँ विपक्ष के लोग भी होते हैं, नेता भी सत्ता पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं। और अगर सब मिलकर के प्रदेश के हित में विचार करना चाहें तो प्रदेश की अच्छी प्रगति होगी। चिंता क्या, देखिए 75 प्लस का मतलब कुछ और होता है। बढ़ते परिवार में श्रोमणी अकाली दल ने आपकी पार्टी से 30 सीटें मांगी हैं, तो आपका पार्टी का क्या रूप रहेगा इस पूरे एपिसोड में? एक तरफ परिवार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अकाली दल 30 सीटें मांग रहा है। भाजपा और अकाली दल एक ही परिवार है, परिवार की बात बैठ करके हम तय कर लेंगे। पैरोल की अगर बात करें तो हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं उसके समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही है, आपका इस पर क्या कहना है? क्या राम रहीम को पैरोल मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पंचकुला और सिरसा में हिंसा हुई थी, क्या दोबारा अगर वो पैरोल पे आता है, उस तरह की हिंसा दोबारा होती है, उसके लिए कौन जिम्मेवार? देखिए, आपने कुछ चीज़ों का अपने आप इन्फ्लुएंस निकाल करके और जैसे कोई निर्णय हो गया और उस निर्णय के आधार पर अपनी बातें मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब बातें एक प्रोसीजरल तरीका होता है, एक लीगल और एक प्रशासनिक सब मिला करके। आखिर कोई भी व्यक्ति जो पैरोल का अधिकारी होता है वो अपने आप पैरोल मांग सकता है, मांगने में किसी को रोक नहीं सकते। और पैरोल जो मांगी जाती है वो जेल अधीक्षक से मांगी जाती है, जेल अधीक्षक उसको एज इट इज रिपोर्ट को उपायुक्त महोदय को भेजते हैं, उपायुक्त आगे एसपी से रिपोर्ट लेते हैं और अंतिम फिर बाद में कोई रिकमेंडेशन करते हैं तो डिविजनल कमिश्नर करते हैं। डिविजनल कमिश्नर का किस प्रकार का रिकमेंडेशन आएगा, डीसी एसपी को भेजेंगे तो एसपी की रिपोर्ट क्या होगी, उसके बाद अगर कोई सरकार का रोल होगा तो सरकार करेगी, सरकार का रोल नहीं होगा तो सरकार रोल नहीं करेगी। मुझे जहाँ तक जानकारियाँ पिछली हैं, इसमें चूँकि सारे घटनाक्रम पर कोर्ट भी नज़र रखे हुए है और हम लोग चाहे सरकार के लोग हैं चाहे अधिकारी हैं, वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखकर और नियम कानून को ध्यान में रखते हुए कोर्ट की परमिशन की यदि कहीं आवश्यकता है तो उसकी परमिशन के साथ कोई निर्णय उचित जो प्रदेश के हित में होगा वो करेंगे। जो निर्णय प्रदेश के हित में नहीं होगा, हमारा निर्णय करने का कोई विषय होगा तो वो नहीं होगा,
कोर्ट निर्णय कुछ करता है तो कोर्ट का विषय अलग होता है। इसलिए ये ऐसा एक विषय है जिसके ऊपर अभी तक हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। कानून व्यवस्था की बात करें तो सरकार को इसके बारे में कोई आपत्ति है या? मैंने बताया अभी तो ये विषय डीसी लेवल पर और एसपी लेवल पर है। डीसी एसपी क्या रिपोर्ट वहां से देंगे इसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। उनकी रिपोर्ट आएगी इसके बाद अगर सरकार को या कोर्ट को या अधिकारियों को या लॉ एंड ऑर्डर के नाते से कोई टिप्पणी करनी होगी तो तब की जाएगी। कोई बाउंड नहीं है, बाउंड नहीं है, बाउंड नहीं है। अकाली दल वाला सवाल वहीं पर आ गया, आपने कहा कि परिवार की बात है तो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम 30 सीटों के ऊपर प्रभाव रखते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से समर्थन हुआ था लोकसभा में वो उसी के तहत ही दबाव की पॉलिटिक्स जो है वो की जा रही है अकाली दल की तरफ से? देखिए एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ देश भर में बहुत से दल हैं और सब दलों का अपना अपना प्रभाव होता ही है। भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक प्रभाव है। सब मिलकर के जब बैठते हैं, जब मौका आता है उस समय विचार करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने शुरू में एक बात कही थी कि आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, तो जो हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, जिसने जिस प्रकार का इस सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में जनता का दिल जीता है, जनता के काम किए हैं, युवाओं को मेरिट के आधार पर रोजगार दिया है, सबका साथ सबका विकास के नारे को सार्थक किया है, उसके चलते आज जैसे इधर से सवाल आया था ऐसे बहुत सारे मजबूत नेता कार्यकर्ता अन्य भी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को तैयार हैं, वो जल्दी आप लोगों को उसकी जानकारी दी जाएगी। आप सब लोग यहां पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, बीजेपी की मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे। हरियाणा में जेजेपी और इनेलो को बड़ा झटका लग चुका है। इनेलो के दो विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, कुल मिलाकर इनकी संख्या 5 हो चुकी है। ये बहुत बड़े झटके हैं इनेलो के लिए। जुलाना से विधायक परमिंदर सिंह ढुल हैं जो कि बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, औपचारिकताएं हो चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, प्रेस वार्ता में तमाम जानकारी मुख्यमंत्री ने भी दी, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी दी है। नू से विधायक है जाकिर हुसैन, उन्होंने भी बीजेपी की तरफ जाकर कह दिया है कि हम आपके साथ हैं। जीडीपी को एक बड़ा झटका लगा है, जीडीपी को भी लपेटे में बीजेपी ने ले लिया और बता दिया कि आपके भी नेता हमारी तरफ आ रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ गड़बड़ है। सोचना चाहिए इनेलो को कि आप कर क्या रहे हैं, आखिरकार पार्टी मजबूत क्यों नहीं हो पा रही है। इनेलो के सुप्रीमो भी कार्यकर्ताओं के बीच जा चुके हैं, क्या वो भरोसा जता नहीं रहे हैं कि इनेलो पार्टी फिर से एक अच्छी स्थिति में खड़ी हो सकती है? लगता है ऐसा समझ नहीं आ रहा है कार्यकर्ताओं को और लगातार निराशा हाथ लग रही है। और अब जाकर बड़े बड़े फैसले जब वर्तमान विधायक ले रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो कार्यकर्ता ही नहीं लोगे उनका भी हौसला टूटेगा कि जो वर्तमान विधायक ही पार्टी के साथ नहीं है तो वो कैसे काम कर पाएंगे। ऐसे में अब अभय चौटाला को बहुत गहनता से समीक्षा की जानी चाहिए पार्टी को लेकर कि वो करे तो क्या करे। दुष्यंत चौटाला जो लगातार हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उनके पद अधिकारी है उनको समझाने में वो क्यों असफल हो रहे हैं कि पार्टी दुष्यंत चौटाला की आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकती है, तो सवाल कई हैं जिनके जवाब विरोधियों को बीजेपी के तलाशने होंगे, विपक्षी पार्टियों को तलाशने होंगे। करें तो क्या करें बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में परास्त करने के लिए? लगता है पूरी रणनीति बहुत सोच समझ कर बनानी होगी, वरना यह रणनीति फेल भी साबित हो सकती है। और ये बीजेपी बता भी चुकी है लोकसभा चुनाव में कि उनसे ज़्यादा कोई भी तैयारी चुनाव की नहीं कर सकता है, चाहे बूथ मैनेजमेंट की बात हो, बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख की बात हो, ये सब सोच विचारने की बात है विपक्ष के लिए। विपक्ष शांत मुद्रा में था, उसके बाद कल लगातार हमलावर हुआ, लेकिन आज देखिए मुख्यमंत्री साहब ने किस तरह से जवाब दे दिया उसी विपक्ष को।